अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरे YouTube वीडियो। मैं आपको अपने कबूतरों के पास लेकर आया हूँ, आपको इनकी प्रोग्रेस बताता हूँ। एक तो ये कि हमने वो नेस्ट वगैरह यहाँ पे रख दिया था और इन्होंने नेस्टिंग भी स्टार्ट कर दिया। हमने सिर्फ ऐसे घास रख दिया था, लेकिन इन्होंने खुद जो प्रॉपर ये नेस्टिंग करते हैं ना, उस हिसाब से इन्होंने घोंसले बनाना शुरू कर दिया और इंशाल्लाह जल्दी अंडे दे देंगे। और जो ये फीमेल है, इसको देखकर लगता भी है कि ये भी अंडे दे देगी। और ये जो है इस कबूतर का, इसके हमने पहले पर पे टेप लगा दी थी ताकि उड़े ना, क्योंकि इसके पर बिल्कुल पूरे थे, आपको दिखाया था वीडियो में। उनके जो है वो उनके पर तो निकाल दिए, वो तो उड़ के कहीं नहीं जाते, लेकिन इसका हमें डर था कि ये उड़ के कहीं चला ना जाए। लेकिन ये अच्छी बात है कि ये जाता कहीं नहीं है, तो इसके हमने अभी पर जो है वो दोबारा से खोल दिए। लेकिन एक सैड न्यूज़ ये है कि ये कुछ ढीला हुआ हुआ है आज, और इसको पता नहीं क्या हुआ है। खाना शाना भी सही दिया है, धूप में भी रखते हैं, अभी भी आप देख रहे होंगे धूप में बैठे हुए हैं, लेकिन ये ना थोड़ा ढीला हो गया है आज। मतलब इतना नहीं हुआ, खा भी ठीक रहा है, पानी ज़्यादा पीता है वो, और वो इतना ज़्यादा पिलाते नहीं है, क्योंकि मसला ये है कि ठंड है, तो ठंड में जब ज़्यादा पानी पिएगा तो ऑब्वियसली ये इनको बीमार हो जाते हैं ये, तो इसलिए इतना ज़्यादा पानी नहीं देते इनको। लेकिन ये थोड़ा सा ढीला हुआ हुआ है, अब रीज़न क्या है ये नहीं पता। माशाल्लाह बहुत प्यारा है, दुआ कीजिए इसे कुछ भी ना हो, क्योंकि ये सबसे प्यारा ये लगता है। जबकि ये वाला जो पेड़ है वो जो छोटे भाई ने लिया, उसको ही ज़्यादा प्यारा लगता है, ख़ासतौर पर ये जो फीमेल है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा फिर भी यही प्यारा लगता है। और इसको लेने की रीज़न भी यही थी, क्योंकि हम तो सिर्फ वही पेड़ ले रहे थे, लेकिन इसको लेने की रीज़न ये थी कि ये माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था वहाँ पर। पूरी हमने मार्केट में देखा, पूरी बर्ड्स मार्केट में हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आई जितना ये अट्रैक्टिव लग रहा था, तो इसलिए फिर हमने इसको ले लिया। और इसमें आपको बकरा भी दिखा रहा था, आपको अगर नज़र आ रहा हो तो वो सामने खा रहा है, वो भी पत्ते शत्ते आराम सुकून से धूप में। इसको इस टाइम बांध देते हैं, ये घर की बैक साइड है, तो इसको धूप में इस टाइम यहाँ पे बांध देते हैं, और ये बैठा रहता है सारा दिन, खाता रहता है। सुबह इसको एक दफ़ा ले जाते हैं वो बाहर पत्ते शत्ते जो इसने खाने होते हैं, इसकी वॉक भी हो जाती है, और उसके बाद इसको यहाँ पे लाके बांध देते हैं, सारा दिन धूप में बैठता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक है बकरा, इसको कोई मसला नहीं है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि सर्दियों में जो जानवर वगैरह होते हैं इस तरह बकरे वो बीमार हो जाते हैं। इनको क्या हो गया, इनकी फ़ाइट होगी भाई, इनकी फ़ाइट होगी, तुम्हें क्या हो गया है। ये गया था उसके केज में और उसने इसको मार के बाहर निकाल दिया इस कबूतर को, और वो दोबारा से अभी नेस्टिंग सेट करेगा। चलो ये तो ठीक है, पहले होता था कि ये जो है ये उनको मार रहा था और उनको नेस्टिंग नहीं करने दे रहा था, लेकिन एक दफ़ा उसको गुस्सा आया और उसने इसको अच्छी तरह मारा, उसने कहा भाई ये मेरी जगह इधर, तुमने दोबारा नहीं आना। तो अब ये जब भी उधर जाते उसको मार के निकाल लेते हैं, तो इसके लिए हमने इसके सेपरेट केज रख दिया ऊपर, तो ये अभी इसी में जाता है। कभी कभी उनके केज में चला जाता है, फिर यही होता है जो अभी आपके सामने होगा, मार के उसको निकाल लेता है और फिर ये खुद ही अपनी जगह पे चला जाता है। अब इसने जाना होगा तो अपने केज में जाएगा, अब उसके पास नहीं जाता। और वो मेरे ख्याल से बुला रहा है अब फीमेल को भी, और फीमेल मुझसे डर रही है शायद, इसलिए नहीं जा रही। तो ये सीन है इनका, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है और इंतज़ार है जल्दी से बस ये अंडे दे दें, और कुछ नहीं चाहिए भाई, अंडे दे दो बस जल्दी से, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है ये दे देगी फीमेल। ये बिल्कुल लोडेड है, इसने अंडे देने हैं और नेस्टिंग वगैरह भी प्रॉपर कर रहे हैं, तो ये अंडे दे देंगे। बाकी इसके लिए इंशाल्लाह इस अंडे को या मे बी कल या परसों मार्केट जाएं और इसके लिए फीमेल लेके आएँ, क्योंकि ये अकेला है और शायद ये बीमार नहीं उदास हुआ हुआ है, और इसको एक फीमेल चाहिए, तो इसके लिए वो भी लेंगे इंशाल्लाह। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर जो बाकी चीज़ें हैं, जो छोटी मुर्गियाँ हैं, उनका भी आपको प्रोग्रेस दिखाएंगे क्या अभी तक, और लवबर्ड्स की प्रोग्रेस भी दिखाएंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।